जैसे गिरिराज गोवर्धन है वहाँ पर सुंदर पर्वत है, जैसे वृंदावन में जमुना नदी कलकलनाथ से बह रही है, उसको पास में एक महानदी बड़ी सुंदर नदी वहाँ पर। तुम गए हो नीलवाधा? नहीं गए? अब अगली बार सब गाँव में चले। इसलिए वहाँ पर श्री नील माधव की है, बड़ी सुंदर नदी प्रवाह हो रहा है, अपूर्व बन रहा, और ठाकुर इतने सुंदर ठाकुर जी, बड़े सुंदर ठाकुर जी है। तो उन्होंने खूब महिमा को गाए, तो वहाँ उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, है पत्नी भी बैठी हुई थी, दोनों राजा रानी बैठ कर कथा सुनते थे। पहले जो राजा थे, अब जब पहले सबके सब भक्त होते थे, अभी का राजा जैसे नास्तिक ना, लेकिन मोदी का हमारे आस्तिक है, अच्छे हैं जो धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन पहले जितने राजा राजा होते थे सबके सब भक्त होते थे, और खूब भक्ति करते थे, और सबको भजन कराया करते थे। इसलिए अभी राजा रानी बैठ करके सत्संग सुन रहे थे, अभी रानी ने जब उनकी कथा सुनी, बड़े सुंदर ठाकुर है, नील माधव है, जब सत्संग सुनकर घर में आ गई ना, इतने में रानी राजा से बोले, आपने सुना है? वो कह रहे थे बड़े सुंदर ठाकुर जिसका नाम नील माधव, और बड़ी सुंदर मनोरम स्थान, जैसे वहां पर जमुना, जैसे वहां पर महानदी गिरिराज गोवर्धन ऊपर, जैसे कृष्णा वैसे ही बड़े सुंदर है। आप जाकर देखोगे ना उनको पहाड़ ऊपर में, लेकिन तो जाएगा ना चरणा पर क्या देते हैं, अपनी आप उनको चरण से गंगा नहीं, पानी अपने आप शरीर से निकलता है। जब लोग जाते हैं ना, जब चरणा पर देते हैं, वो उनको चरण से अपने आप जो पानी निकलती है, उसी को ही चरणा मतलब गंगा रूप में सबको प्रसाद रूप में देते हैं। है इसलिए पत्नी ने बोले, कल जब सवेर होगा ना, हम वो संतों से पूछेंगे वो ठाकुर कहाँ पर है, और हम दोनों दर्शन करने जाएंगे। राजा को कोई बात नहीं, कल सवेर होते ही हम पूछेंगे, और हम दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। देखो हट बहुत तरह का होता है, एक होता है बाल हट, देखा नहीं? बच्चा अगर कोई चीज के लिए रोता है, हम चाहिए, अब देखना जब तक उसको नहीं दो बच्चा रोता है, वो चीज दोगे तो बच्चा का रोना बंद होता है। और एक होता है जोगी हट, जोगी हट मतलब क्या, जो जोगी मतलब जो भक्त है उनका अंदर में भी हट होता है, उनके अंदर में क्या चीज का हट होता है, जरूर इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त करेंगे, मंत्र के साधन किया शरीर पतन, भले ही ये शरीर हमारी, भले ही हम शरीर हमारी नष्ट क्यों नहीं हो जाए, इसी जीवन में जरूर हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको जोगी हट कहते हैं, जोगियों का जीवन है, इसी जीवन में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। एक होता है स्त्री हट, स्त्री हट मतलब क्या है, अगर स्त्री अगर पति को पास स्त्री हट करती है, हमको ये साड़ी चाहिए, नहीं तो ये सूट सलवार चाहिए, ये अलंकार हमें चाहिए, ये चीज चाहिए, इसलिए जब तक पति इच्छा नहीं करेगा तब तक पत्नी है मानती नहीं, मुंह मोड़ कर बात करेगी, खेती होकर के। लेकिन हट तो बहुत हट है, अगर पत्नी अगर ये हट करे, भक्ति के अगर हट कर नहीं, हम आज ठाकुर जी की दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के लिए ये चीज लाएंगे, ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें ये चीज चाहिए, अगर ये हट होना बड़ा भारी है, बड़ा भारी हट तो बहुत तरह का है। लेकिन अगर भक्ति के हट अगर पत्नी करती है, चलो ठाकुर का दर्शन के लिए जाएंगे, जगन्नाथपुरी चलते हैं, भगवान के हरिनाम करते हैं, सत्संग, अगर ये हट पत्नी की हो जाए ना, बस दोनों का ही बेड़ा पार, दोनों का ही बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बोले पत्नी का दो रूप है, एक महामाया और एक जोग माया। जब जब पत्नी पति को विषय का भोग में लगा देती है, चलो सिनेमा देखने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, बस हो गया, कभी महामाया हो गई, फिर तो इसी धन ले जा सकते। लेकिन जब ये जोग माया रूप धारण करती है ना, अगर प्रभु की भजन के लिए जब आपको हट करती है, बात यही पत्नी जोग माया करके उनको बैकुंठ भगवान की वृंदा में, भगवान की धाम में ले जाएगी। हट होनी चाहिए, लेकिन कौन सा हट होनी चाहिए, भक्ति की हट है। चलो हम दोनों भजन करेंगे, भक्ति करते हैं, सत्संग करते, बस कल्याण होते रहे। इसलिए यहाँ पर जो पत्नी चीज घूमती चाह उसने हट की, बोले किस चीज की हट की, बोले हम संतों को पूछेंगे ठाकुर जी कहाँ पर है, हम दोनों तीर्थ यात्रा में जाएंगे, जरूर ठाकुर को दर्शन कर जाएंगे।
उन्होंने ये हट की थी, पर ये कथा हम कल सुनेंगे कैसे उन्होंने जगन्नाथ को कैसे उन्होंने भ्रमण करते 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 बड़े कष्ट से कैसे नील माधव को दर्शन, बहुत परिश्रम से उन्होंने नील माधव को निकाले। वही नील माधव ही जब राजा दर्शन करने के लिए गए, ठाकुर कैसे अंदर ध्यान हो गए, बोले महाराज इसी स्वरूप में मेरी दर्शन आपको नहीं मिलेगा। हम जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में जहाँ रामायण बैठे, जहाँ अपना गुरु जी का बैठे हैं, बोले वहीं पर हम तीन लकड़ी रूप में समुद्र में बहते 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 आए, तुम उसी लकड़ी से हमारे रूप को बनाना, हम उसी रूप में ही आपको दर्शन देंगे। जगन्नाथ स्वयं तो देख रहे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये तीनों एक तीन लकड़ी रूप में बहते 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 कहाँ पर समुद्र में बहते 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 वहीं पर आकर के लगे। राजा ने वो तीन जो लकड़ियों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों मूर्ति उन्होंने बनाए, और तीन मूर्ति उन्होंने बना करके फिर उन्होंने नारद जी हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को कैसे लेने के लिए गए, फिर कैसे देर हो गया, बड़ी लंबी कथा है, फिर ठाकुर जी को कैसे स्थापन की गई। लेकिन अभी जगन्नाथ मंदिर का स्थापना हो गया, राजा सोच रहा है सारा दुनिया मेरा नाम है, मंदिर किसने बनाया, बोले महाराज भद्रा प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ मंदिर बनाया। लेकिन सच पूछो तो मंदिर जो बना है ना मेरे पत्नी की वजह से, मेरी पत्नी की वजह से ये मंदिर बना, उसने हट दी, चलो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, फिर तो ये ठाकुर के प्रकट होंगे, लेकिन मेरी पत्नी का नाम तो भूल लेगा, पत्नी का नाम भूल लेगा जिसके लिए प्रकट हुई है। इसलिए मैं ऐसे एक स्मृति रख करके जाऊंगा, जब तक दुनिया रहेगा तब तक मेरी पत्नी की भी दुनिया याद रहेगा। इसलिए उनकी याद में उन्होंने वो गुंडीचा मंदिर उन्होंने बनाया, वहां पर है गुंडीचा मंदिर बनाया, और गुंडीचा मंदिर में साल में ठाकुर जी एक बार श्री गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी जाते हैं, वहां पर ठाकुर जी 9 दिन तक रहते हैं, और 9 दिन तक रह करके हमारी उड़ीसा में एक पिठा है जिसका नाम पोड़ पिठा है, उसका नाम कहते हैं पोड़ पिठा है, इसलिए वो पोड़ पिठा को खाते हैं और जाकर के वहीं पर आनंद में 9 दिन तक ब्रजवासियों को साथ में तो आनंद लेते हैं। जगन्नाथ जी तो प्रसन्न होकर उनको साथ में रहते हैं, फिर जगन्नाथ जी तक अपने वापस चले आते हैं। इसलिए अभी वो जो मंदिर 1 साल तक वैसे पड़ा रहता है, ठाकुर जी नहीं रहते, अभी ठाकुर जी 1 साल में एक बार जाएंगे, लेकिन 1 साल पर तो मंदिर वैसे पड़ा रहता है। इसलिए महा पहले क्या होता था, अब इसको सांप राजा करवाया करते थे, बोले कैसे अपने नौकर को दे करके उन्होंने मंदिर साफ कराया करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ आए तो उन्होंने राजा से बोले महाराज ठाकुर को जो सेवा है ना नौकर से नहीं होता है, भगवान तो प्रेम के भूखे प्रभु हैं, प्रेम के भूखे प्रभु प्रेम ही सार है, और प्रेम से उनको भजे तो भजे सबसे बड़ा पार है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान आप कहाँ राधा रानी आपका निकुंज मंदिर उसमें श्याम सुंदर आएंगे और आप पैसा देकर के नौकर से साफ करवाया करते हैं, ये नौकर से साफ नहीं, आज मैं स्वयं अपना भक्तों को लेकर के आज ये मंदिर को हम साफ करें। इसलिए महाप्रभु ने मंदिर मार्जन का सेवा मांग करके किया, कौन सा सेवा मांग करके लिए, बोले झाड़ू लगाने का सेवा उन्होंने मांग करके लिए, बोले क्यों, बोले भगवान की मंदिर में कोई झाड़ लगाएगा ना तो मंदिर में झाड़ नहीं अपना हृदय में झाड़ लगाते, जैसे आप लोग मंदिर को साफ करते हो सब करते, अगर शास्त्र कहता है अगर अपना दीप को साफ करना चाहते हो ना सबसे जल्दी जल्दी कहीं साफ हो, बोले जो जितने मंदिर को साफ करेगा ठाकुर जी के मंदिर को जो जितने साफ करेगा उसका हृदय मंदिर अपने आप साफ हो जाएगी। मैंने पहले सुनाया था कोई एक राजा था, वो राजा क्या करता था रोज आकर के भगवान के मंदिर विष्णु मंदिर को रोज पोछा लगाता था, पोछा लगाता था, तो एक दिन लोगों ने देखा राजा राजा है देश का, किसी चीज की कमी नहीं है, ये अपना हाथों से ये मंदिर को मार्जन क्यों करता है। एक दिन राजा से पूछे बोले महाराज आप ये मंदिर को अपना हाथों से क्यों साफ करते हो, बोले मेरा पूर्व जन्म की बात याद है, बोले क्या है
पूर्व जन्म में बड़ा दुष्ट था, मतलब एक वेश्या को लेकर के गलत काम करने के लिए उसको साथ में जंगल में ले गया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर मेरे को पता नहीं था। मैंने किया क्या, उसके साथ गलत काम करने के लिए भगवान विष्णु का मंदिर को अपना कपड़े से साफ किया, गलत काम किया। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं, बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना, ठाकुर जी हमारी नजर में अवगुण है, ठाकुर जी नजर नहीं देते, हमारे अंदर जो अच्छा चीज है ना ठाकुर जी वो चीज को देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने देखा मेरे मंत्री को साफ किया, मेरे गलती चीज बने देखा और मेरे को राजा बना दिया। अगर मैंने एक बार मंदिर को साफ करके अगर राजा बन सकता हूँ, अगर रोज अगर मंदिर को हम पोछा लगाए ठाकुर का मंदिर को, तो ठाकुर क्या देखा। इसलिए मेरे गुरु जी के मंदिर में नियम है, जो पहले जो ब्रह्मचारी लोग आएंगे ना उनका सबसे पहले उनको सेवा है, जितना पायखाना साफ करना वैष्णव का, और जो भगवान का जो मंदिर है इसको साफ करना। चलिए जगन्नाथपुरी में हमारे ठाकुर जी का मंदिर था, मैं जब वहाँ पर आए मैंने जितना दिन तक 6 साल तक वहाँ पर रहे, सारा दिवस मैंने भगवान के मंदिर को टाइम को मंदिर को मैंने साफ करता था पूरा है, मंदिर को सफेद मथुरा में आए वहाँ पर मंदिर साफ करता था, वृंदावन में आए वहाँ के मंदिर को मैं स्वयं सबसे पहले मैं स्वयं पाठ लेकर के पानी देता था, मंदिर को साफ करता था, परिष्कार करता था। इसलिए जो मंदिर साफ करेगा उसका हृदय साफ हो जाएगी। इसलिए आज गुंडीचा मंदिर महाराज ने महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के मंदिर महाराज करने के लिए जाएंगे। हम लोग मेरे नव अक्सर भक्त लोग आएंगे तो हम थोड़ी सी पहले होगा तो उसके साथ कथा सुन लेंगे, मंदिर महाराज से करने से क्या होता है, किसलिए किया था, इसका क्या रहस्य है, हैं? इसको सुन करके फिर उसको बाद में फिर मंदिर थोड़ा साफ करेंगे, फिर यहाँ पर यज्ञ होगा, उसको बाद में सबके लिए प्रसाद आप लोग देख लेना, थोड़ा तो लोग तो आओ देख लेना, सबके साथ आ सकते तो आना, दोपहर में प्रसाद खा करके आ सकते साहब। इसलिए आज विशेष विशेष स्थिति है जगन्नाथपुरी में, हैं? महापुरुष स्वयं भक्तों को लेकर के मंदिर उन्होंने साफ करवाए, यह आज बड़ी बड़ी सुंदर स्थिति। फिर आज दोपहर में क्या कथा सुनेंगे और शाम को भी मंदिर मार्जन के बारे में कथा सुनेंगे। अब हम जो जैव धर्म सुन रहे 10 मिनट सुन लेते, ठीक है? हम गत कल ये श्रवण कर रहे थे कि जो जीव है कौन है, जीव जीवन स्वरूप है कृष्ण दास, हमारे जो स्वरूप में हम सब के सब भगवान की संतान उनके ही बच्चे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांश जीव लोक जीव कोट सनातन कथे, और जो जगत जितने जीव सब मेरे बच्चे सब मेरे अंश पुत्र है। लेकिन अभी क्या हुआ, भगवान को भूल गए, ठाकुर को सेवा को छोड़ दिया, ये माया की सेवा करने की इच्छा थी, माया के विषय भोग करने का इच्छा थी, इसलिए भगवान बोले मेरा सेवा नहीं करोगे, अब तो देख ले संसार में क्या आनंद है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यह आत्मा के ऊपर में 2 आवरण दे दिया, कौन सा, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, 2 शरीर आत्मा के ऊपर ढक दिया। ढक करके उन्होंने क्या किया, हमें संसार माया के संसार में डाल दिया। लेकिन यहाँ आकर के हम संपूर्ण रूप में ये भूल गए हम भगवान का संतान, अभी अपना आपको परिचय हम भगवान के संतान रूप में परिचय नहीं देते, कहते हमारा नाम ये है, हमारे घर वो है, हमारे पति वो है, हमारी पत्नी ये है, हमारे बच्चे ये है, हमारी बीवी ये है, सब उल्टा पुलटा अभी हम अपना परिचय असली परिचय दे रहे, सब नकली परिचय हम दे रहे। अभी भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु है, अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं जो कुछ और जीव तो मेरे ही संतान है, सब तो मेरे ही बच्चे हैं, अब इनका कल्याण कैसे, इनको फिर अपना घर में उनको वापस कैसे ले जाए। इसलिए भगवान ये चीज को सोच करके भगवान सोचा कुछ ना कुछ उनको धीरे धीरे कैसे लाया जाए, उनको कुछ उपाय सोचा, उनने उपाय सोच करके तब उन्हें श्री वेदव्यास, वेदव्यास को उन्होंने प्रकट किया जो भगवान की सत्यावेश अवतार है, और उनका हृदय में जब उन्होंने भक्ति योगेन सम्यक प्रणीत अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णम माया स्तत पास है, जब उन्होंने भक्ति योग
समाधि को द्वारा मैंने समाधिस्थ हुए संपूर्ण गोलोक वृंदावन को मैंने दर्शन किया, प्रभु की समस्त लीलाओं को दर्शन किया, कैसे जीव भगवान को भूल करके कैसे ये जीव संसार में दुख तंत्र कैसे होता है। और ये माया क्या कर रही है, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करना जो जेल में दे देते, जेल पिटाई होती है, फिर काम करवाते, फिर जब पिटाई होता है नहीं चोरी और नहीं करेगी, ये चोरी करने से जेल जाना पड़ता और बड़े कष्ट हो जाना पड़ता, हम चोरी नहीं करें। उसी तरह हम भी एक तरह से चोरी है, हम चोरी किया, क्या किया, अपने असली पिता को हमने भूल गए। भूलने का नाते ही जो संसार है, संसार मतलब क्या, हर समय हमसे जो अलग हो रहे हैं, एक दिन हम कोई बड़े होते नहीं जाते, सब धीरे धीरे बूढ़े बूढ़े होते चले जाते हैं, कोई छोटे नहीं, सबके सब हम बूढ़े, सबके सब तरफ में चल रहे हैं, और हमारे पहले जो थे सब भी एक चले गए, और एक दिन हम भी संसार जाना है, एक दिन जाना है। संसार मतलब होता है क्या, बताए समय के रूप में सरदी, हर समय हमसे जो अलग होते जा रहे हैं, और ये जड़ शरीर में मैं और मेरा मान करके भगवान को भूल करके ये काटी पैसा भूल पी ये थली है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित यह अधम शरीरा, काटी पैसा भूल पी और मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश इससे बने हुए हैं। इसलिए बनने के बाद उसका तीन अवस्था है, अगर जला दो शरीर को राख बन जाएगा, अगर जला होगी तो फिर कीड़े बन जाएंगे, नहीं तो अगर जानवर खा लेंगे टाटी पैसा हो जाएगा, इसका ये तीन अवस्था शरीर का, इसलिए उसको अधम शरीर बताया, इसको अधम शरीर बताया, शरीर बेकार ये शरीर है, बेकार शरीर है, लेकिन ये शरीर में मैं मेरा अपना पण रख लिया, इसी शरीर को ही हम सब कुछ समझ लिया, भगवान का हमने कुछ भी नहीं समझा, इसलिए संसार में आकर के दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इसलिए ब्याज समझने की सब चीज को तुमने देखा, माया क्या कर रही है, खूब जीव को थप्पड़ लगा रही है, खूब पिटाई कर रहा है, लेकिन ये जीव है ना संसार से बैराग नहीं होता। अब देखना संसार में हम सबको सेवा करते हैं लेकिन सबको गाली भी, हम सबको सेवा में सबको करो गाली भी संसार से सुना, इसलिए देखा इनकी ये जीव का ऐसे कल्याण होने वाला नहीं, इसलिए जब तक ये जीव भगवान की भक्ति की तरफ नहीं बढ़ेगी इनका कल्याण नहीं, भजन नहीं करेगी। इसलिए श्री व्यास कवि ने अपना जो समाधि को द्वारा संपूर्ण दर्शन किया है, दर्शन करते हुए उन्होंने देखा ये जीव का कल्याण कैसे होगा, फिर उन्होंने सारे ग्रंथों को बनाया, क्योंकि जब ग्रंथ को उन्होंने बनाया, जब ग्रंथ को हम पढ़ेंगे फिर हम पता चलेगा कि भैया हम वास्तव में है बोल, हम कहाँ थे, कहाँ आए, इसको बाद में हम जाना कहाँ, फिर जिन लोगों को हम अपना कहते हैं अगर ये अपना होते तो हम क्यों छोड़ रहे हैं, हम क्यों उनका छोड़ रहे हैं, फिर वास्तव रूप में कौन है, जब ये शास्त्र ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे फिर हमें इस बात हमें पता चलेगा। इसलिए जीव के कल्याण करने के लिए भगवान ने क्या किया, बोले कृष्ण स्वभाव भगवते धर्म ज्ञान आदि पलव नष्ट दृशा पुराण अर्थना, इसलिए भगवान जब संसार छोड़कर चले गए हमारे कल्याण करने के लिए, भगवान फिर ये शास्त्र ग्रंथ रूप में भागवत रूप में भगवान जगत में प्रकट हुए। प्लस भागवत ग्रंथ की बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तर आज हृदय रूपी आकाश में भगवत कृपा प्रसूत शास्त्र सूचन हृदय होकर के सर्व साधारण के लिए सब प्रकार के आज्ञा विधियों का प्रचार किया। इसलिए कहती शुद्ध भक्तों का हृदय में है कहती आकाश में भगवत कृपा रूपी प्रसूत शास्त्र सूर्य जने जगत में प्रकट हुआ, और हम जैसे सर्वसाधारण के लिए सर्व प्रकार के आज्ञा विधियों का प्रचार किया। इसलिए शास्त्र में उन्होंने क्या क्या शास्त्र में बताया, इसलिए इसका नाम है शास्त्र। शास्त्र मतलब क्या है, कहते शास्त्र मतलब पता है, जैसे बच्चे अगर गलत रास्ता पर जाए ना पिता माता डांट लगा, बोले नहीं ये गंदा काम नहीं करना गलत काम है, पिता माता बोलते ना बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो शासन बेटा ये काम नहीं करना, ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छे रास्ता पर चलो, गंदे रास्ता पर क्यों चलते हो,
उसी तरह शास्त्र मतलब होता है जब हम गलत रास्ता पर चलते हैं, ये शास्त्र मतलब हमको शासन नहीं, ये काम ठीक नहीं, ये गलत रास्ता पर जा रहे हो, गलत राह पर जा रहे हो, रास्ता पर जा जाओ, रास्ता छोड़कर सही रास्ता पर चलो, तुम्हारे भविष्य अच्छा हो। इसलिए शास्त्र मतलब हम जो शास्त्र करके हम जो सही रास्ता पर हमें ले जाए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने प्रकार की आज्ञा विधियों का प्रचार किया। विधियों का मतलब ये विधि विधान को बनाए, भैया ये काम अच्छा है, ये काम बुरा, ये करने से अच्छा फल मिलेगा, ये काम कर नरक जाना पड़ेगा, विधियों को उन्होंने बनाया शास्त्र में। तथा सर्वप्रथम वेद शास्त्र, सबसे पहले व्यास ने कौन सा शास्त्र बना, मतलब वेद है, मतलब वेद मतलब क्या, मतलब वेद यदि वेद, वेद मतलब होता है जानना, मतलब जो भगवान को जाना दे, जो भगवान को हमें जाना दे, इसलिए कहते हैं उसका वेद हुए। तो ये वेद शास्त्र के किसी किसी भाग में कर्म, किसी भाग में ज्ञान और किसी भाग में प्रीति रूपा भक्ति को उपदेश दिया गया। कहते ये वेद में क्या चीजें हैं, कहते वेद में तीन चीज आपको मिलेगा, वेद में तीन चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, किसी भाग में तो जगत का जो कर्म है ये कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ आपको बताया है, मतलब हम कहते भाई कर्म करो, क्या करो, अपना कर्म करो। इसलिए किसी साथ भाग मिलेगा जीव को कर्म की उपदेश दिया हुआ, लेकिन किसी भाग में क्या मिलेगा, बोले ज्ञान को, ज्ञान मतलब यहाँ पर जो ज्ञान है, यहाँ पर तीन तरह का ज्ञान, तत्पदार्थ, तम पदार्थ और भगवत संबंधित ज्ञान, जीव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और भगवत ज्ञान है। इसलिए किसी भाग से ये ज्ञान की बात आपको सुनने को मिलेगी और कैसे ये जीव जा करके सत्य में ब्रह्म में ही अपना सत्ता को लीन कर दे। लेकिन किसी भाग में और एक चीज मिलेगी, प्रीति रूपा भक्ति, मतलब भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करो, भगवान को प्रेम करो, ठाकुर की हरिनाम लो, भगवान की है भक्ति करो। कहते वेद में अलग अलग भाग में ये अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगा। कहते माया बुद्ध जीव की अनेक अवस्था, अभी प्रश्न है उन्होंने एक ही बात क्यों नहीं बताया, सीधा बोल देते भगवान की भक्ति करो, भजन करो, उन्होंने किसी भाव में कर्म, किसी में ज्ञान और किसी बात में उन्होंने भक्ति को क्यों बताया, एक ही बात क्यों नहीं बताती, इसका क्या रहस्य क्या है। इसलिए कहते जगत में ना बहुत तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बुरा है, एकदम बुरे हैं, कुछ लोग ऐसे है बड़ी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ विषय में जो जानते हैं। इसलिए जगत में देखना अलग अलग तरह का लोग जगत, एक ही तरह का जगत लोग नहीं है। इसलिए जीव की बुद्धि जैसे होती है शास्त्र में उनकी प्रति वैसा ही आदर्श दिया। अभी जिसको अंदर में जैसे भावना जैसे अधिकार होगा, इसलिए शास्त्र में ये सब चीज बात को मैंने अलग 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 होता है, इसका जो अधिकार होगा वही जीव में जीव का रुचि होगा है। इसलिए देखना, इसलिए जीव का तीन गुण बताया, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण है। देखना जिनका अंदर तम गुण होगा ना, उसको सिगरेट पीना अच्छा लगेगा, शराब पीना अच्छा लगेगा, गंजा पकना उसको अच्छी लगेगा, सारी गंदी चोरी करना अच्छा लगेगा, सारी गंदी चीज में अपने आप मन हो जाएगा। जिसके अंदर में रजोगुण होगा उसके अंदर में ये विषय हो करने की वासना खुल जाएगी, लेकिन जिसके अंदर में सत्व गुण होगा ना उसको प्रभु का नाम अच्छी लगेगी, ठाकुर की भक्ति अच्छी लगेगी, ठाकुर का सेवा पूजा अच्छा लगेगा, साधु संघ में जाकर के बैठ करके भगवान की कथा सुनने की उसको अच्छी लगेगी। क्योंकि सबका अंदर में अलग 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 गुण होने के नाते इसलिए उन्होंने वेदों में अलग 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 उन्होंने बात बताई। अब जिसको अंदर में जो स्वभाव होगा उसी स्वभाव से आसक्त होकर के उसी रास्ता बन जाएगा। इसलिए उन्होंने शास्त्र ग्रंथ बनाए। फिर वो क्या बताते हैं उसको फिर कल सुनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को फिर दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जाओ और अपना टाइम का सब करवा दें, ठीक है। मंदिर अब साफ करके रात में इसको धो दिए थे, ये रात को फिर इसको दो बार, फिर दो बार जब सब आए थे, फिर यहाँ पर दो बार कथा हुई,
फिर पूरा मंदिर इतना नहीं, पूरा पूरा मंदिर साफ करेंगे। अभी कुछ भी कुछ मत किया जब फिर अंदर नहीं बाहर उस समय जब भक्त लोग आएंगे ना सबको बोलेगा सब साफ करेंगे। आप तो रोज करते हैं इसलिए आज सब भक्तों को लगा देंगे कि टाइल टाइल विश्वास करते इतना है सब अच्छे तरह साफ।